गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका जो संजय गुप्ता और आप लोग अच्छे होंगे, फ्रेश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गाइस एक बात कहना चाहता था, 5-6 दिन से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था और वीडियो 4 दिन से मेरा नहीं कंटिन्यू, मेरा वीडियो पुराना था उसको क्या बोलते हैं रिन्यूअल करके डाल दिया था। वैसे धीरे 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 अपडाउन होकर आ रहा था और गाइस मेरा सॉफ्टवेयर से कुछ पहले से आराम है और गाइस मैं बराबर अपना वीडियो डालता रहूँगा। और गाइस ये कह रहे थे आप मेरी वीडियो शेयर किया गया फॉलो का ये भी था। दबा के कहिएगा सर तभी तो मज़ा आएगा, हम भी मज़े में आप भी मज़े में, और थोड़ा सा क्लियर किया करिए हमारे वीडियो को। हम लोग जा रहे हैं आज, थोड़ा सा मेरी पुरानी मोबाइल था वो टूट चुकी थी गिरकर बच्ची की वजह से, और हम और सोनू को बुलाएं घर से, सोनू को जा रहे हैं हम लोग आज, गाड़ी चालू भी है और गाइस अभी जा रहे हैं बिंद्रा बाजार, बताएंगे आपको कैसा क्या मोबाइल बनेगा कि नहीं बनेगा अभी देखा जाएगा। और गाइस फाइनल हम लोग पहुँचने वाले हैं बिंद्रा बाजार, बिंद्रा बाजार पहुँच जाएंगे तो हम आपको बताएंगे गाइस क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। गाइस 5-6 दिन से ब्लॉग हमारा आ नहीं रहा था और गाइस अब तो लगातार आएगा, मेरा तबीयत आराम हो चुका मुझे और अच्छी फील हो रही है। और गाइस देखिए बहुत बढ़िया नज़ारा है, पूरा व्यू आ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, गाँव ही गाँव खेती काम हो रही है पूरी ज़बरदस्त। गाइस यहाँ से हमारा सीधे गांव दिख रहा है, देखिए उस साइड जो गांव है वो हमारा गांव है, इस बगल वाले गांव से हम लोग जा रहे हैं। वही बगल में 3 किलोमीटर एक बहुत बड़ा मार्केट है, बिंद्रा बाजार है, वहाँ पे मोबाइल का जो शॉप है ना, मोबाइल का बनता है, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा वहाँ का मोबाइल शॉप भी है और मोबाइल भी बिकता है, बहुत बढ़िया बनाते हैं लोग। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं क्योंकि एक आदमी बताए थे हमको वहाँ पे। तो गाइस देखिए ये गांव का सीन है, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि केरला का सीन है, ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, लेकिन ये गांव का है, उत्तर प्रदेश का सीन है। देखिए कितना मस्त लग रहा है, अभी चारों तरफ धान की रुपाई शुरू हो गया, देखिए चारों तरफ। तो दोस्तों देखिए धान की रुपाई शुरू हो गया है और बारिश भी हो रहा है हमारे इधर। अगर बारिश भी हमारे इधर तो हो रहा है, आपके इधर हो रहा है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि हमारे इधर तो हो रहा था, बस 2 दिन से नहीं हो रहा है, लेकिन इसके 10 दिन पहले हर रोज़ बारिश हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन बादल देखिए थोड़ा थोड़ा है, धूप निकल गया है। गाइस देखिए जंगल जैसा सीन है इधर, देखिए गाँव में भी कितना मस्त नज़ारा है, देखिए जिसको कहते हैं देसी गाँव, हमारा ये छोटा केरला है आप लोग बोल सकते हैं, देखिए कितना जंगल है चारों तरफ। इधर देखिए पोखरा है गांव का, सब धीरे धीरे पोखरा तो विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन कहीं कहीं दिख जाता है पोखरा, देखिए दोस्तों देखिए एक गांव का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है था ये। तो गाइस आगे चल के एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है अगवानी माता मंदिर, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कितना बढ़िया मंदिर और प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे दिखा जाने के बाद तो आपको पूरा दिखाऊंगा व्यू कितना अच्छा वहाँ से आता है। देखिए अब हमारा मार्केट अभी वहाँ से वो है ना, वहाँ से दिखता है, वहाँ पे जाना भी तकरीबन 2 किलोमीटर होगा, और यहाँ से पहले यहाँ पे चलेंगे अगवानी माता दर्शन करके, उसके बाद यहाँ से हम लोग तब मार्केट में जाएंगे। माता जी की दरबार हम लोग जा रहे हैं गाइस, और गाइस देखिए माँ अगवानी के दरबार हम लोग जा रहे हैं और सच्चा दरबार है, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ मेला भी लगता है नाग पंचमी के पे, यहाँ मेला लगता है,
हरदम सोचिए यहाँ पर मेला हरदम लगता है, तो सोचिए आपको दिखाएंगे वहाँ कितना भीड़ है। सीधे चला रहा अभी बन रहा है चारों तरफ। चारों तरफ भी बन रहा है। हमारे दोस्त सोनू मौर्या हमारे लिए क्या लाए हैं दिखाइए। ये लाइव आ रहे थे तब वीडियो में हम लाइव बना रहे थे आज, तो आज उसमें हमको बोले कि टिकिया आपको लेके आए हैं आजमगढ़ से, ये हमारे लिए ले। और ये पानी बरस रहा है, पानी में भीगते हुए आए हमारे लिए, क्या बात है यार। ऐसे फेमस ब्रेड पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा आजमगढ़ अभी गर्म ही गर्म है, सोचिए कितना बड़ा हम कितने भाग्यशाली हमारे ऐसे मित्र हैं हमारे पास हैं जो हमारे लिए गर्म गर्म एकदम नहीं। उनके बड़े छोटे वाले भाई हैं, ये बहुत जबरदस्त भाई हैं। इनके यहाँ बढ़िया बढ़िया काम, कौन सा काम करते हो आप? प्लम्बरी का कोई आपके वहाँ कुछ भी ऐसा कुछ है तो उनको जरूर सूचना, हमारे हमसे संपर्क करिए, हम आपको सस्ते में और अच्छे में काम करवाएंगे। प्लम्बरी पर बढ़िया जानकारी गोलू भाई को।